प्रशासन और राजनेताओं द्वारा नुक्कड़ चौराहे पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्थापित तो कर दिया जाता है, किंतु उसके बाद उन्हें सिर्फ उनके जन्मदिन, पुण्यतिथि या फिर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ही याद कर साफ सुथरा किया जाता है और तभी माल्यार्पण कर जय जयकार की जाती है। बाकी समय वे प्रतिमाएं धूल खाती रहती है। महापुरुषों की प्रतिमाओं की इस तरह की होती अवहेलनाओं के चलते नगर के राष्ट्रीय कवि संजय खत्री ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर इन्हें साफ सुथरा करने का बीड़ा उठाया। सभी युवाओं में से हर रोज कम से कम एक युवा इन प्रतिमाओं को साफ स्वच्छ कर माल्यार्पण करता है। इसकी शुरुआत बेटमा नगर के अंबेडकर चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा से की। आपको बता दें कि नगर में यह एकमात्र प्रतिमा स्थल है जहां आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, फिर भी किसी प्रकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। हालांकि कोरोना के चलते यह सब अभी बंद है, फिर भी इनका कहना है कि हमने अपने महापुरुषों की प्रतिमाएँ तो स्थापित कर दी हैं, पर इनकी देखरेख और रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मन में ख्याल आया और कुछ अपने बड़ों से, कुछ मित्रों से चर्चा की और तीन व्यक्तियों से प्रारंभ हुआ यह सफर आज 25 पर पहुंच चुका है। प्रतिदिन सदस्यों में सेवा करने के लिए होड़ मची रहती है। नगर में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एकमात्र क्रियाशील प्रतिमा स्थल से शुरू हुआ यह सिलसिला कहां तक पहुंचता है, अब यह देखने वाली बात होगी। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। इसमें सबसे बड़ा प्रयास हमारे संजय भाई खत्री का रहा, उन्होंने सबसे सहयोग मांगा और आज हमारी ये आकांक्षाएं पूरी हुई। हम रोज सुबह उठकर जल्दी बाबा साहब को नहलाते हैं, साफ सफाई करते हैं और मूर्ति को स्नान करवा करके पुष्पहार करते हैं। मुझे बहुत खुशी है हमें इस चीज़ की कि सब लोग इस बहाने बाबा साहब के लिए एकत्रित हों और हमेशा इसको साफ सफाई करें। जय भीम। संगठन क्या हुआ है, छोटा है कि जनरली देखने में आता है कि हम अपने महापुरुषों और नेताओं की मूर्तियां तो लगा देते हैं, प्रतिष्ठापित तो कर देते हैं, पर उनका रखरखाव और देखरेख नहीं कर पाते हैं। कई बार देखने में आता था कि कुछ में मालाएँ चढ़ती थी और चार चार छः छः महीने तक उस पर ही लगी रहती थी, गंदी वैसी रहती थी, सफाई नहीं हो पाती थी। तो मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई यहाँ पर रोजाना सफाई हो, और इस उद्देश्य को लेकर शुरुआत में दो या तीन लोगों ने आपस में बात करके कार्य चालू करा और आज मुझे खुशी है कि इसमें करीब 20-25 लोगों का समूह जुड़ गया है जो प्रतिदिन बारी बारी से यहाँ पर सुबह जल्दी आकर बाबा साहब की स्नान कराता है, साफ सफाई करता है और माल्यार्पण करता है। और एक तरह से सभी सदस्यों में होड़ सी मची रहती है। आज भी मेरे पास में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 5 लोगों के संदेश है जो अलग अलग दिन के डले हुए हैं कि इस दिन मैं करूँगा। तो एक शुरुआत है, मैं नहीं जानता मुझे इसमें कितने हमें कितनी सफलता मिलेगी, किंतु प्रयास से कि यह आज यदि 8-10 दिन में एक व्यक्ति का नंबर आ रहा है तो मेरी इच्छा यह है कि साल में एक बार एक व्यक्ति का नंबर आए यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।